लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ जिस कार से अटल को देखने एम्स पहुंचे थे मोदी, 5 करोड़ रुपए है उसकी कीमत। गैस अटैक होते ही सिर्फ चेंबर में बदल जाएगा गाड़ी का केबिन। न्यूज डेस्क। रविवार रात पीएम मोदी सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर एम्स में एडमिट को देखने पहुंचे। मोदी के आने की पूर्व सूचना एम्स प्रशासन को भी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम के आवास से लेकर एम्स तक हर ट्रैफिक सिग्नल पर मोदी का काफिला रुका, जबकि नियमों के तहत पीएम की कार निकलने के 15 मिनट पहले ही ट्रैफिक रोक दिया जाता है और काफिला गुजरने के 8 मिनट बाद ही रोड पर ट्रैफिक शुरू हो सकता है। इन सब के बीच हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसी होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। पीएम की कार का बम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीएम मोदी बुलेट प्रूफ BMW 760 LI BMW 760 ली में सफर करते हैं। सिर्फ 6.2 सेकेंड में यह कार 0 से 100 किमी की रफ्तार पकड़ सकती है। इसका टॉप स्पीड 210 किमी प्रति घंटा है। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और बुलेट प्रूफ विंडो है। इसका एडवांस हीट सेंसर बम और मिसाइल से प्रोटेक्ट करता है। इसमें 5972 सीसी का इंजन है। कार 4.5-7.46 mpl का माइलेज देती है। यदि पीएम की इस गाड़ी पर गैस से अटैक किया जाता है तो इसका कैबिन गैस सिर्फ चेंबर में बदल जाता है। कार में ऑक्सीजन टैंक भी मौजूद है। इसमें सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक है, जिसके चलते किसी भी हालत में गाड़ी में विस्फोट नहीं हो सकता। इस कार पर बम का असर भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेनेड और बम से बचाव के लिए इसमें नीचे की तरफ आर्मर प्लेट्स होती हैं। कार के शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं और इसमें इमरजेंसी एग्जिट भी दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 करोड़ रुपए की यह कार मोडिफिकेशन और सिक्योरिटी फीचर्स के चलते 5 करोड़ रुपए की है। सिक्योरिटी में चलते हैं। पीएम प्रधानमंत्री सिक्योरिटी से घिरे होते हैं। पीएम के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री को भी यह सिक्योरिटी मिलती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारियों की कमेटी यह डिसाइड करती है कि सिक्योरिटी किस किस को दी जाएगी। इस कमेटी में होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर शामिल होते हैं। खतरे के लेवल के हिसाब से सिक्योरिटी का लेवल तय किया जाता है। VVIPs, विप्स, पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को कुछ चुनिंदा एजेंसी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनमें SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, NSG नेशनल सिक्योरिटी ग्रेड और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शामिल है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑटोमेटिक सिक्योरिटी कवर में आ जाते हैं। कैसे होती है SPG - प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां हर एक स्टेप पर अचूक शूटर्स तैनात हैं। पीएम को खतरा पहुंचा सकने वाले लोगों को यह शूटर्स कुछ ही सेकंड्स में मारने की ताकत रखते हैं। SPG में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, XPM और उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के आधार पर तैयार किया जाता है। FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 17 मिनट रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होते हैं। SPG कमांडोज बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलोग्राम की राइफल से लैस होते हैं। यह 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में कैपेबल होते हैं। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। इन कमांडोज के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं, जिसका वजन 2.2 किलोग्राम होता है। घुटनों और कोहनी पर पेड पहने रहते हैं। आंखों पर काला चश्मा लगाए रखते हैं। यह चश्मे ऐसे बने होते हैं कि अटैक होने पर भी जवानों को देखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती।
एकदम से फायरिंग होने पर एसपीजी कमांडोज पीएम के सामने खड़े होकर अटैक करने वाले को खत्म करने की ताकत रखते हैं। दैश एसपीजी सोल्जर हमेशा एल्बो गार्ड और एक खास तरह के शूज पहने रहते हैं। यह शूज ऐसे होते हैं जो कभी स्लिप नहीं करते। स्पेशल ग्लव्स भी सोल्जर के पास होते हैं। इसको पहनने से हथियार हाथों से स्लिट नहीं होते और चोट से भी बचाए रखते हैं। दैश ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में हथियार ना होने पर भी यहां अटैक करने वाले को रोक सकते हैं और अपने काबू में कर सकते हैं। दैश पीएम के रक्षा दल में दर्जन भर गाड़ियों के साथ ही दो आर्मर BMW 7 सीरीज से डान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस शामिल होती हैं। इसके अलावा टाटा सफारी जैमर भी रक्षा दल के साथ चलती है। पीएम को किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाने के लिए दो डमी कारें भी शामिल की जाती हैं। जैमर व्हीकल में कई एंटीना होते हैं। दैश यह एंटीना 100 मीटर तक की दूरी वाले बम को डिफ्यूज करने में कैपेबल होते हैं। इन सभी कारों में NSG के अनुभवी शूटर्स मुस्तैद रहते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर पैदल चलते हैं तब भी NSG कमांडो यूनिफार्म और सिविल ड्रेस में उन्हें घेरे रहते हैं। SPG का गठन कब हुआ? 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1988 में SPG का गठन किया गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहती थी, जिसके चारों तरफ SRTF स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम घेरा बनाकर रखती थी। यह भारत की सबसे महंगी सिक्योरिटी एजेंसी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 साल पहले इस सिक्योरिटी में 4,000 से भी कम ऑफिसर्स थे और इनके लिए 334 करोड़ सालाना का बजट निर्धारित किया गया था। 4 पार्ट में डिवाइड SPG ऑपरेशन ट्रेनिंग इंटेलिजेंस और टूर एड में इन 4 पार्ट में पीएम की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालती है। SPG ऑपरेशन की जिम्मेदारी कम्युनिकेशन की होती है। दश पीएम की कार और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था संभालना इसी का काम होता है। वहीं इंटेलिजेंस एंड टूर टीम इंटेलिजेंस इनपुट और खतरों पर नजर रखती है। ये टीम पीएम की यात्रा की जिम्मेदारी भी संभालती है। दश पीएम की सुरक्षा में तैनात SPG फोर्स FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं, जो कि एक फुली ऑटोमेटिक गन है। दश साथ ही कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और साथ ही कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। दश पीएम की सुरक्षा के लिए एल्बो और नी गार्ड पहनते हैं। SPG कमांडो के जूते भी इस तरह बने होते हैं कि किसी भी जमीन पर फिसले नहीं। हाथ में खास तरह के दस्ताने होते हैं जो कमांडो को चोट लगने से बचाते हैं। SPG कमांडो द्वारा पहने जाने वाला चश्मा भी इस तरह बना होता है कि लड़ाई के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।